उदयपुर में जो पॉजिटिव आए उसके चारों तरफ 3 किलोमीटर की परिधि में जहां तक कर्फ्यू लगा उसमें से टोटल 8,546 घर हैं, इनमें करीब 45,000 लोग रहते हैं। 3 दिन में हमारी टोटल 263 टीम ने 8,546 को कवर कर लिया और रिपीट एक्टिविटी 6,380 घर तक कर ली। ये जो रिपीट एक्टिविटी हम 14 दिन तक करते रहेंगे, इस तरह से हमने रिपीट एक्टिविटी को मिला के 63,339 घरों का लोगों का सर्वे कर लिया। उसमें से 80 लोगों के सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण मिले, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जिनको रेफर करके टेस्ट किया जा सके। मौके पे ही हमारे डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया गया। जो 4 पॉजिटिव हैं वो एक ही फैमिली के हैं और ये हमारे कम्युनिटी में अभी तक नहीं फैला ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 थे इनके क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो यानी कि 1 मीटर के अंदर मिले थे वो 184 लोग थे। उसमें ट्रेन के पैसेंजर भी आ गए, जो इंदौर से बच्चा आया था। 184 में से 105 उदयपुर के हैं। 105 में से 76 की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 29 की टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। हम लोगों को बुला के इनको ट्रेस आउट करके जो जो भी कॉन्टैक्ट हुआ उनके सैंपल ले रहे हैं। ये जो 4 हैं इनकी तबीयत तो बिल्कुल सही है, अभी किसी को बुखार नहीं है और होप सो बहुत जल्दी सही हो जाए। इस तरह से हम जो जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग सारे मिल के होम क्वारंटाइन कर रखा है पूरे ज़िले में। अब तक जो होम क्वारंटाइन कर रखा है, लोगों को घरों में रखा है, वो चिन्हित लोग हैं 69,321। उसमें से 7,657 लोगों का 14 दिन का पीरियड पूरा हो गया और आज की दिनांक आज 4 अप्रैल तक 61,664 लोग घरों में हैं जिसपे होम क्वारंटाइन पर रखा है, जिसपे प्रशासन की पूरी नज़र है। अब तक पूरे ज़िले में 7,50,306 घरों का सर्वे हो गया, जिसमें रिपीटेशन भी है, हम 7 मार्च के बाद के पूरे आंकड़े बता रहे हैं, और 30,57,781 लोगों का सर्वे हुआ जिसमें हमको अभी तक ऐसा नहीं मिला कि इसको रेफर करके सैंपल लिया जा सके। धन्यवाद।